हाँ जी बच्चों, अब हम यूनिट टू के चैप्टर नंबर फोर पर आ चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन आया होगा कि सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, क्या मीनिंग क्या है इसका। तो बच्चे यहां पर आइए इसको समझते हैं। बच्चे किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज आने के बाद, ध्यान रहे, किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के बाद उसकी डिमांड भी इसका इफेक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड में भी चेंज आता है। तो उसकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है उस चेंज की फ्लेक्सिबिलिटी को ऑब्जर्व करना इलास्टिसिटी होता है। बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी? डिमांड की, कि किसी कम्युनिटी की डिमांड आप देखेंगे तो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नेचर का रहेगा, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और कुछ कम्युनिटी ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ज्यादा उसकी डिमांड में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो हर डिमांड का, हर कम्युनिटी का अपना एक नेचर होता है। हर कम्युनिटी की डिमांड अलग तरीके से रिएक्ट करती है उसके प्राइस में चेंज होने के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरीके से डिमांड में चेंज आता है उस चेंज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहां पर विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, जो चेंज आता है उस ऑब्जर्वेशन को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि आपको मैंने इसे यूनिट चैप्टर नंबर थ्री डिमांड में यह पढ़ाया था कि एक कमोडिटी के डिमांड में जो चेंज आता है उस चेंज के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो चेंज आता है उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। दो चीजें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी मैंने आपको बताया था? एक तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक अदर फैक्टर। तो बच्चे आपने अभी तक पढ़ा कि जो चेंज इन डिमांड, जो डिमांड में चेंज आता है, जो डिमांड में बच्चे चेंज आपको देखने को मिलेगा, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीजें बताई गई हैं। एक तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक बताया गया आपको अदर फैक्टर। लेकिन ध्यान रहे इस चैप्टर में हम जो डिमांड में चेंज आ रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अब हर कम्युनिटी का अपना अलग नेचर होता है, हर कम्युनिटी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। कुछ कम्युनिटी की जो डिमांड है उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, कोई खास चेंज नहीं आता है प्राइस में चेंज आने के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गए, इनके प्राइस अगर बढ़ जाए तो इसकी डिमांड कोई ज्यादा कम नहीं होगी, और प्राइस अगर कम बहुत हो जाए तो इनकी डिमांड बढ़ भी नहीं जाएगी। तो ये इस नेचर का है कि इसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है डिमांड में। बच कुछ लेकिन कुछ कॉमोडिटी ऐसे होते हैं, फ्रूट्स स्वीट्स, जिनके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो डिमांड ज्यादा रिएक्ट करती है। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड कितना रिएक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इस चीज के ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके आगे हमने एक वर्ड लगाया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो डिमांड में जो भी इलास्टिसिटी है, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसकी वजह से? उसके प्राइस की वजह से। तो हम उसके प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। कि किसी कमोडिटी में उसके प्राइस में चेंज आने के रिस्पेक्ट में उसकी डिमांड प्राइस के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स रिएक्ट करता है या किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, इस चीज को हम क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा अपना बेस बनाइए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली है क्या। तो ये समझ में आया आपको, कोई भी एक कॉमोडिटी है और उस कॉमोडिटी के अपनी प्राइस में चेंज आने के रिस्पेक्ट में उसकी डिमांड किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसकी डिमांड किस तरीके से बिहेव करती है, उसकी डिमांड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी को आप ऑब्जर्व करेंगे, इसी ऑब्जर्वेशन को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की फ्लेक्सिबिलिटी।
विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो इसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस चैप्टर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिमांड में जो भी चेंज आएगा वो उसके प्राइस की वजह से आएगा और हमें वही चेंज को ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर हम अदर फैक्टर के बारे में इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ने वाले, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाइए अदर फैक्टर से, जो भी हमने पहले पढ़ा था, चाहे वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, उस सब चीजों का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। एक कॉमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा और वो भी चेंज क्यों आएगा, ड्यू टू इट्स प्राइस, उसकी खुद की कीमत की वजह से ही उसकी डिमांड में चेंज आएगा। आइए बच्चे डेफिनेशन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए, यहां पर हम इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए जरा इस चीज को जरा हम समझते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल से इसके डेफिनेशन को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल में बच्चे जरा समझते हैं, मैं एक ओरिजिनल प्राइस ले रहा हूं पी, एक कोई कॉमोडिटी इसकी प्राइस 10 रुपीज है, कोई भी कॉमोडिटी हो सकती है, उसके क्वांटिटी डिमांडेड जो है क्यू वो मैं 100 यूनिट्स, ऑब्वियसली बच्चे इस चीज को जरा समझिए, प्राइस तो रुपीस में एक्सप्रेस होता है और डिमांड हमारा यूनिट्स में एक्सप्रेस होता है। अब यहां पर ये तो आपका इनिशियल सिचुएशन है, तो ये एक इनिशियल सिचुएशन है कि ये प्राइस है और ये डिमांड है, अभी कोई चेंज वगैरह नहीं आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी, या फिर इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम बच्चे यहां पर प्राइस में मैं चेंज कर रहा हूं, प्राइस को मैं इंक्रीज कर देता हूं 12 रुपीज, और आपको पता है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस में जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा, डिमांड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हुए और फॉर्मूले को डिराइव भी हम कर लेंगे यहां पर। तो यहां पर बच्चे 10 to 12 रुपीज है, तो आपको पता है जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, तो डिमांड यहां पर मैं कम कर रहा हूं 60 यूनिट्स कर रहा हूं। तो अब 12 रुपीज प्राइस पर डिमांड क्या है, 60 यूनिट्स है। अब बच्चे यहां पर मैं कंपेयर करना चाहूंगा कि प्राइस में चेंज कितना आ रहा है और फिर मैं देखूंगा डिमांड में चेंज कितना आ रहा है। आप इस चीज को जरूर, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है या डिमांड में कम चेंज आ रहा है, ये डिसाइड किस बिहाफ पर होगा कि ये चेंज ज्यादा है या फिर ये चेंज कम है, ये किस बिहाफ पर डिसाइड होगा कि डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है या फिर कम फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है या फिर कम है, ये किस बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे, किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया जाएगा कि डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है या फिर डिमांड कम फ्लेक्सिबल है, आप ये सोच रहे होंगे। तो बच्चे आपको ये भी देखना होगा, सबसे पहले चेंज तो प्राइस में आता है किसी भी कमोडिटी के, प्राइस में चेंज आने के बाद फिर उसका इफेक्ट डिमांड पर पड़ता है, फिर डिमांड रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइस में कि प्राइस में जो चेंज आया वो कितना आया। अब जो डिमांड में चेंज आया वो कितना आया, अगर प्राइस में चेंज के रिस्पेक्ट में डिमांड ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मतलब जितना प्राइस ने एफर्ट्स लगाए हैं उससे ज्यादा डिमांड अफेक्ट हो गया, तो इस केस को हम जो है बोलेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है डिमांड में, डिमांड ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, और प्राइस जितना एफर्ट लगाया है डिमांड उससे कम रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है डिमांड में। लेकिन अभी भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, वो क्वेश्चन ये आया होगा कि सर ये बात ठीक है कि प्राइस में चेंज आया हम ये ऑब्जर्व करेंगे, देन डिमांड में चेंज आया हम ये ऑब्जर्व करेंगे,
फिर हम देखेंगे जो डिमांड में चेंज आ रहा है ये प्राइस में चेंज के रिस्पेक्ट में ज्यादा है या फिर कम है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बच्चे क्या है कि प्राइस जो है वो रुपीज में होता है और जो डिमांड है वो यूनिट्स में होता है, तो इन दोनों के बीच में हम कंपेयर कैसे करेंगे? प्राइस तो रुपीज में चेंज आएगा और डिमांड में यूनिट्स में, तो इनके बीच में तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट्स है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये समझेंगे कि प्राइस, मैंने ये है कि प्राइस में कितना चेंज आया, इसका मतलब ये था कि प्राइस खुद में अपने आप में कितने, अपने खुद में उसमें क्या चेंज आया, अपने आप में वो कितना परसेंट चेंज हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज परसेंटेज। बच्चे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज समझनी होगी, आप कह रहे होंगे सर दो प्राइस आ गए और दो डिमांड आ गए। यहां पर आपको समझना होगा एक चीज को कि आपके पास में ये ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 यूनिट्स है, और अब जो प्राइस चेंज होकर के जो नया प्राइस आया है इसको न्यू प्राइस बोलेंगे। क्लियर है? और इसको हम क्या बोलेंगे, अब जो क्वांटिटी चेंज होकर न्यू क्वांटिटी आई है इसको हम क्या बोलेंगे, 60 यूनिट्स न्यू क्वांटिटी। ये बात क्लियर है? बस मुझे एक मिनट का टाइम दे। अब देखिए बच्चे यहां पर आप कह सकते हैं ओरिजिनल प्राइस जिसको हम पी से डिनोट करेंगे क्या है, 10 रुपीस, ठीक है, और न्यू प्राइस को हम पी वन से डिफरेंशिएट करने के लिए वन लगा देते हैं, पी वन से डिनोट करेंगे जो कि क्या है 12 रुपीज। क्लियर है बच्चे? तो जो सबसे स्टार्टिंग में था वो ओरिजिनल है, उसके बाद जो चेंज होकर आया न्यू है। मैं यहां पर ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि प्राइस में जो चेंज आया है वो आपको दिख रहा है कि 2 रुपए कीमत बढ़ गई है, लेकिन आपको ये चेंज को रुपीज में नहीं देखना था, इस चेंज को आपको परसेंटेज में ऑब्जर्व करना है कि प्राइस पहले जो था उसका अब कितना परसेंट उसमें चेंज आया है। बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में कितने परसेंट का आपका चेंज आया है। तो यहां पर बेसिकली आपको प्राइस में जो चेंज आया है वो खुद कितने अपने आप में उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस पर कितना इफेक्ट पड़ा ये देखेंगे, इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज किस चीज का निकालना है, चेंज इन प्राइस का निकालना है। तो बच्चे परसेंटेज किस चीज का निकालना है, परसेंटेज निकालना है चेंज इन प्राइस का। तो आपको जिस चीज का परसेंटेज निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको लेना पड़ेगा, तो परसेंटेज निकालना है चेंज इन प्राइस का तो हमें क्या लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में, चेंज इन प्राइस जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो न्यूमिनेटर में, और जो भी चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे उसको किससे कंपेयर करके ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ चेंज आया है, ओरिजिनल प्राइस से ही कंपेयर करेंगे ना कि जी हाँ इसमें चेंज इतना आया है, तो अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन प्राइस। तो चेंज को है ना, इस चेंज को इकोनॉमिक्स में डेल्टा वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस पी है क्योंकि न्यू प्राइस पी वन था, न्यू वाले को वन से, इनटू 100, इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या हो गया, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू, अब आप देखिए आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आपको ये कैसे कैलकुलेट करते थे,
आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो परसेंटेज किस चीज का निकालना होता है, आपके मार्क्स का, तो जो मार्क्स आपके आए हैं उसका परसेंटेज। तो आप क्या करते थे, जो मार्क्स आए हैं वो न्यूमिनेटर में और जितने में से आते हैं नीचे गुणा 100। तो हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम पर न्यूमिनेटर में हम उसको रखते हैं जिसका हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एंड डिनोमिनेटर में वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात क्लियर हुई बच्चे, समझ में आया आपको ये? तो ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका ये आया। अब देखिएगा डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब क्या होगा बच्चे, चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी जिसको हम चेंज इन प्राइस कहते हैं, प्राइस में जो चेंज आया, तो आप कैसे भी कर सकते हैं चेंज इन प्राइस, कैसे P1 माइनस P, आप बोल सकते हैं कि न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे तो चेंज इन प्राइस आ जाएगा। तो ये क्या आया आपका 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 रुपीज, और आपको पता है कि आपका ओरिजिनल प्राइस क्या है ऑलरेडी 10 रुपीज। तो आइए निकाल लेते हैं फिर परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन, देखिए मैं इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूं, डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा और आपका फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, परसेंटेज मेथड एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो बस आप देखते रहिए कि चीजें कर क्या रहा हूं। मैंने एक यहां पर एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में मैंने एक प्राइस लिया है और उस प्राइस पर एक क्वांटिटी लिया है, जो कि ये एक इनिशियल सिचुएशन है इसलिए उस प्राइस को ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी कहा है। उसके बाद मैंने प्राइस में चेंज करा है, प्राइस इंक्रीज हो गई, तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस में जिस डायरेक्शन में चेंज आता है डिमांड में उसके अपोजिट आता है, तो डिमांड कम होगी, मैंने 60 ले लिया। अब मैं यहां पर यह ऑब्जर्व करने लगा हूं कि प्राइस खुद में कितना रिएक्ट आया, खुद में कितना रेट आने का मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उसमें कितने परसेंट का चेंज आया, इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है बच्चे, समय आया कि प्राइस में खुद में कितने परसेंट का चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस किस चीज का निकालेंगे हम, आपको ओरिजिनल प्राइस पता लगा, न्यू प्राइस पता लगा, और न्यू प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, ओरिजिनल प्राइस को। इसका यह फॉर्मूला कैसे बना, क्योंकि परसेंटेज निकालना था चेंज इन प्राइस का, तो चेंज इन प्राइस को न्यूमिनेटर में और ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो ओरिजिनल को नीचे गुणा 100 करेंगे, और इसी फॉर्मूले को ऐसे आप लिख सकते हो चेंज इन प्राइस को चेंज डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब आपके पास में डेल्टा पी कैसे निकालोगे चेंज इन प्राइस, तो पी वन माइनस पी आपका प्राइस में चेंज आया ओरिजिनल प्राइस। तो अभी तक हमने क्या करा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है, इसके मीनिंग को समझने के लिए और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उस फॉर्मूले को समझने के लिए हमने यहां पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को पूरा कंप्लीट करते हैं तब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा पी चेंज इन प्राइस क्या आपका 2 अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आया आपका 20%। ये बात क्लियर है आपको, चलिए एक चीज तो क्लियर है आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है हमारा। अब बच्चे प्राइस में अपने आप में क्या चेंज आया, प्राइस खुद में कितना चेंज आया, मतलब खुद 20% इंक्रीज हो गया। अब देखते हैं डिमांड में अपने आप में क्या चेंज आया, डिमांड खुद में क्या बदल गया। तो यहां पर इसी तरीके से हम निकालेंगे अब सेकेंड परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर परसेंटेज किस चीज का निकालने जा रहे हैं हम, ये परसेंटेज किस चीज का निकालने जा रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। तो चेंज इन डिमांड का परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, और आपको समझाया है जिस चीज का परसेंटेज निकालते हैं न्यूमरेटर में तो चेंज इन डिमांड ऊपर, क्लियर है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर आएगा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को आप चेंज को ये लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन किसमें से किससे कंपेयर करके बता रहे हैं चेंज आया, ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100।
क्लियर है बच्चे, समझ आया आपको? अब आप देखिएगा डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी, तो न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। आप कैसे भी कर सकते हो, आप ओरिजिनल प्राइस माइनस न्यू प्राइस कर सकते हो, फिर यहां पर भी आपको करना पड़ेगा ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी। अगर आपने वहां पर न्यू प्राइस चेंज देखने के लिए न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस करा है, तो फिर आपको यहां पर न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने पीछे डिफरेंशिएट लिया है, उसी तरीके से आपको आगे भी दूसरे में भी क्वांटिटी में भी लेना पड़ेगा। तो आपका चेंज इन क्वांटिटी ऐसे आ जाएगा और ओरिजिनल क्वांटिटी आपको पता ही है। तो बच्चे चेंज इन क्वांटिटी क्या आया आपका देखें, तो आपके पास में 60 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 40। अब आप कहोगे सर एक माइनस में आ गया। अगर बच्चे आप ओरिजिनल में से न्यू माइनस करते तो ये पॉजिटिव हो जाता, ओरिजिनल में से न्यू माइनस करते, बट फिर आपको यहां पर भी करना पड़ता प्राइस में भी, तो ओरिजिनल में से न्यू माइनस करते 10 में से 12 तो नेगेटिव हो जाता। एक बात तो कंफर्म है, एक नेगेटिव आएगा ही आएगा। आप उस चीज को आप वो चीज ऐसा हो नहीं सकता कि आपका दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, एक नेगेटिव आएगा ही। क्यों? क्योंकि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या फिर अगर प्राइस कम भी हो जाए तो दूसरा बढ़ेगा। तो अगर प्राइस कम भी हो रहा है तो ओरिजिनल में से न्यू माइनस करोगे तो वहां पर भी क्वांटिटी में से न्यू माइनस करोगे तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो फिर वो नेगेटिव दे देगा। नेगेटिव तो आपका आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ये बताता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप नेगेटिव साइन आप अवॉइड कर दें, अवॉइड करके चले फिलहाल तो आप नेगेटिव, वो तो नेगेटिव आना ही आना है, वो हमें पता ही है। लास्ट में माइनस का साइन लगा देंगे, बता देंगे इनवर्स रिलेशन होता है, बट नेगेटिव आएगा ही। फिलहाल आप चेंज इन डिमांड को आप इंजॉय कीजिए। कितना है आपका? 40। अब हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चेंज आ रहा है किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्या आएगा चेंज इन डिमांड? तो चेंज इन डिमांड क्या? 40, ओरिजिनल डिमांड 100। क्लियर है बच्चे? इनटू 100, तो कितना आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू 40%। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या आ गया हमारे पास में? 40%। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास में क्या है? 20%। अब आपको समझना होगा यहां पर कि सबसे पहले अदर फैक्टर तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक नहीं है चैप्टर में, पहले आपको यह समझना होगा यहां पर कि प्राइस खुद कितना रिएक्ट कर गया। प्राइस 20% इंक्रीज हुआ, इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको निकालते कैसे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? चेंज इन प्राइस का परसेंटेज, तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं वो न्यूमिनेटर में चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस से कंपेयर करके बताएंगे कि चेंज इतना आया, तो ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलर चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं किसका? क्वांटिटी का, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो लगभग सिमिलर है, सेम है, बस प्राइस की क्वांटिटी हो गया, बाकी सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ऑब्जर्व किया यहां पर? सबसे पहले हमने यहां पर यह ऑब्जर्व किया कि जो प्राइस में खुद में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि प्राइस में 20% इंक्रीज हुआ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया? इसके बाद डिमांड ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आया? 40% डिमांड डिक्रीज भी हुई फिर। तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए और जरा मुझे बताइए क्या कि प्राइस में जितने भी परसेंट का चेंज आया है, डिमांड में जितने भी परसेंट का चेंज आया है, वो प्राइस में परसेंटेज चेंज का कितने टाइम्स आया है? किसमें? डिमांड की बात कर रहा हूं मैं, फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड की देख रहे हैं, फोकस डिमांड पे होना चाहिए आपका। डिमांड में जो भी चेंज आया है परसेंटेज का, और फिर प्राइस में ही परसेंटेज चेंज आया है, उसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है? ऑब्जर्व किसके बारे में कर रहे हैं आप? डिमांड के बारे में,
कि डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया है ये कितने टाइम्स है जो प्राइस में चेंज आया है उसका। तो प्राइस में कितना चेंज आया, 20%। तो आप कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज टू टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि जो डिमांड में जो रिएक्ट कर रहा है ना, प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसका दुगना डिमांड रिएक्ट कर रहा है। इसी को हम बच्चे बोलते हैं जो टू टाइम्स का है ना, अपने टू टाइम्स, जो आपने टू टाइम्स कहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग ही बेसिकली ये है जो अभी आपने कहा ना, टू टाइम्स। ये इसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड रेशियो बिटवीन, बोल सकते हो आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया है वो प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है उसका कितने टाइम्स डिमांड में चेंज आया है, उसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ईडी टू है, तो ईडी टू का मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब दुगुना, ट्वाइस, ट्वाइस दुगुना। क्या दुगुना? डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है डिमांड में, वो दुगना किसका, जो प्राइस में चेंज आएगा। इससे एक बात पता लग गई इस कमोडिटी के बारे में मुझे, कि प्राइस अगर मैंने 10% बढ़ाया, ईडी टू है, टू मतलब समझ रहे हैं ना, डबल रिएक्ट करेगा डिमांड। प्राइस में जो भी चेंज करना है करो, डिमांड कहेगा भाई मैं दुगना रिएक्ट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ ईडी टू है, प्राइस अगर 10% बढ़ाया ना, डिमांड 20% कम होगा। प्राइस अगर 7.5% बढ़ाया ना, तो डिमांड 15% कम होगा। प्राइस अगर 5% कम करा ना, डिमांड 10% बढ़ जाएगा। मतलब प्राइस में जो चेंज करना है करो, डिमांड कह के बैठा है मैं उसका दुगना चेंज होऊंगा। अब आप करके देख लो, आप लगा लो। तो इसी को ईडी कहते हैं, कि प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आता है उसके कितने टाइम्स डिमांड में चेंज आएगा। तो यहां पर ईडी का मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर, जरा देखिए आप। ईडी का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड जिसको हम ईडी भी कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला लिख सकता है कि बेसिकली क्या होता है ईडी, कैसे निकलता है। ये निकलता है परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज, एक परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बात समझ में आया आपको, ईडी। और आपको पता है कि इसका रिजल्ट आपके पास में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो तो मैंने अवॉइड कर दिया ना, अदरवाइज -40% डिवाइडेड बाय 20% -2 आता ना, वो तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दिया, माइनस ही आएगा। इसे सब कुछ पॉजिटिव लेके चलो, बस फॉर्मूले में लगा के चलो, माइनस माइनस आ जाएगा अपने आप आंसर। क्लियर है बच्चे? तो आपको एक बात क्लियर हुई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन। तो ये बात क्लियर हुई। आइए अब ये चीजें पूरी क्लियर हुई आपको, कोई डाउट, अच्छे समझ में आ गया? तो यहां पर सबसे पहले चैप्टर का नाम था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है, ये है क्या? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो, उसका क्या मतलब है, अदर फैक्टर का कोई रोल ही नहीं है यहां पर। और दूसरी बात, आपको पता है प्राइस में जो चेंज आया उस चेंज को हम परसेंटेज में ऑब्जर्व करेंगे, कितने परसेंट चेंज आ रहा है। और फिर डिमांड में भी चेंज आएगा, रिस्पॉन्ड में डिमांड में भी हम देखेंगे डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है।
फिर हम ये देखेंगे कि जो डिमांड में चेंज आया है वो डिमांड का चेंज वो किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स आया। तो डिमांड वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं इसलिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड को ऊपर रखेंगे, और प्राइस में कितना चेंज आया नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा डिमांड में जो चेंज है प्राइस के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है। क्लियर है? और जितने भी टाइम्स चेंज आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ईडी बोलेंगे। ईडी अगर 3 है तो इसका क्या मतलब है कि डिमांड 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा प्राइस में, जो भी परसेंटेज चेंज कर लो डिमांड में 3 टाइम्स। प्राइस 5% बढ़ाओगे डिमांड 15% कम होगा, प्राइस अगर 10% कम कर दोगे डिमांड 30% बढ़ेगा, 3 टाइम्स रिएक्ट करता है डिमांड। ईडी का मतलब ये होता है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज के रिस्पॉन्ड में डिमांड कितने परसेंट रिएक्ट करेगा, कितने टाइम्स रिएक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ईडी बोलते हैं। तो ईडी की डेफिनेशन भी क्लियर होगी आपको, और आपको ये भी पता लगा कि ईडी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और आपको ये भी पता लगा परसेंटेज चेंज इन ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, न्यू प्राइस क्या होता है। ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी को पी एंड क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और नए वाले को पी वन और क्यू वन से। क्लियर है बच्चे? आइए कुछ, ये तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट अभी अभी क्लियर करा है, आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है? फिर उसको समझते हैं। ये चीजें क्लियर है? आइए इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी बच्चा, ये देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बन रहा है यहां पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द प्राइस परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी
विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन, विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, ऑफ द गिवन कॉमोडिटी देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने यही आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या कहता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स बताता है टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। कि किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसी कॉमोडिटी के प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है उसके उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए जरा सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या समझा अभी तक हमने। Explain the percentage method of price elasticity of demand, of price elasticity ऑफ डिमांड, कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज मेथड से, एक्सप्लेन करो। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि प्राइस इलास्टिसिटी देखिएगा बच्चे, प्राइस प्राइस यहां से मैं आंसर बता रहा हूं, हमने क्या सीखा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम ईडी कहते हैं, ये कैसे निकलता है। तो डेफिनेशन से क्या कहता है कि डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो प्राइस के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस रिस्पेक्ट में माइनस का साइन लगा देना क्योंकि हम फिर बीच में माइनस यूज नहीं करेंगे, अब पता है माइनस तो आएगा ही हमारे पास में। ये क्लियर है बच्चे, समझाया आपको, एक तो ये हो गया हमारे पास में। और अब आप कहेंगे सर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हैं। आप अगर कहते हैं कि सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड जिसको आप अपॉन में ओरिजिनल डिमांड क्लियर है और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि आपको परसेंटेज किस चीज का निकालना है, परसेंटेज निकालना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है उस चीज को नोमिनेटर में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज निकालना था, तो क्वांटिटी डिमांडेड को हमने चेंज इन ऊपर रख दिया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और ओरिजिनल गुना 100, जिसको आप लिख सकते हो चेंज इन डिमांड को डेल्टा क्यू बाय ओरिजिनल डिमांड क्यू इंटू 100। क्लियर है बच्चे, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है बच्चे, डेल्टा क्यू कैसे आएगा, आप कैसे भी निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू को, जहां पर क्यू क्या है, क्यू आपका ओरिजिनल क्वांटिटी है और क्यू वन क्या है, इसमें क्यू वन आपका न्यू क्वांटिटी होगा, क्लियर है। और डेल्टा क्यू आप कैसे निकालेंगे, कैसे भी कर लो, क्यू माइनस क्यू वन या क्यू वन माइनस क्यू, तो डेल्टा क्यू आ गया। क्लियर है बच्चे, इसी तरीके से अब आप कहेंगे सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा, पता लगा ना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नाम से क्लियर है, परसेंटेज निकालना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का, तो पकड़ लो चेंज इन डिमांड को, वो देख के पता लग जाएगा डिमांड में कितना चेंज आया, ओरिजिनल डिमांड भी देख के पता लग जाएगा, गुणा 100 कर दो, सिंपल हो जाएगा। तो ये इसलिए फॉर्मल लिखा है और ये एक्सप्लेन करा है आपको उसी चीज को 2-3 बार। अब बच्चे परसेंटेज चेंज इन प्राइस की अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं अब यहां पर, आगे ज्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास में। अब आप कहेंगे दूसरी चीज परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंटेज निकालना किस चीज का, चेंज इन प्राइस का निकालना है, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है, और आपका डेल्टा पी कैसे आएगा, आपका पी वन माइनस पी कर सकते हो, पी क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस और पी वन क्या है आपका न्यू प्राइस, तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके से निकालते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता दिया, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बता दिया है। क्लियर है बच्चे, तो ये परसेंटेज मेथड हो गया है। अगर आप यहां से एक चीज को जरा समझें, अभी तक जो आपको समझ में आई ये चीजें, ये क्लियर है, ये परसेंटेज मेथड हो गया जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं यहां से लेके यहां तक। और अगर एक चीज और देखें हम यहां पर, ये क्लियर है बच्चे, अगर आप देखें यहां पर इसी चीज को, माइनस तो खैर रहेगा ही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या समझ में आया, इसको लिख सकता हूं डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 100, किसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, सेम इसी को मैं दूसरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है। लो मैंने यहां पर लगा दिया, और अब क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आइए जरा सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, डेल्टा क्यू बाय क्यू अपॉन डेल्टा पी बाय पी, आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी हो गया, डेल्टा क्यू इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा पी
इंटू पी बाय क्यू हो गया। तो देखिएगा इसी चीज को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ आया आपको? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय, ये कर सकते हैं, थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्लियर है बच्चे? तो आप अब देखिए कि आपको दो फॉर्मूले हो गए, एक तो आपके पास में दिस और एक आपके पास पे ये फॉर्मूला हो गया। इसी को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोपोर्शन मेथड से। तो आपको ईडी निकालने के दो तरीके हो गए, एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उसी को दूसरे वे में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ईडी के दो फॉर्मूले हो गए, एक ही अलग है और एक अलग फॉर्मूला है, दोनों का आप ध्यान रखिएगा, इसी से ही डेवलप हुआ है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? तो आज की क्लास में दो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है, हम आगे न्यूमेरिकल को यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में इन फॉर्मूले को यूज करेंगे, बट आपके माइंड में ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी मींस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो डिमांड में उसके रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स परसेंटेज चेंज आ रहा है, उस चीज को हम, उस टाइम्स को हम क्या बोलते हैं, ईडी बोलते हैं, और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर को हम अभी तक समझ चुके हैं। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।